नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। देश के उद्योगपति रतन टाटा का हुआ निधन। ब्रीच कैंडी अस्पताल में ली अंतिम सांस। आपको बता दें मुंबई के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती थे रतन टाटा जो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वहीं रतन टाटा का 86 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। इसके साथ ही आपको बता दें कि मुंबई के अस्पताल में वो भर्ती थे। आपको बता दें 28 दिसंबर 1937 को रतन टाटा का जन्म हुआ था। वहीं 1962 में टाटा ग्रुप में वे शामिल हुए थे। इसके साथ ही 1975 में अमेरिका के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से उन्होंने मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी। इसके साथ 1981 में टाटा इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष भी बने। इसके साथ ही आपको बता दें कि 1986 से 1989 तक वो एयर इंडिया के चेयरमैन भी रहे। 1991 से 2012 तक टाटा सन्स के चेयरमैन भी रहे। आपको बता दें कि 2008 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें कि देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये बेहद दुखद घटना है। सभी लोग उन्हें शोक जता रहे हैं। सभी उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि इस दुनिया देश के सबसे बड़े जो उद्योगपति माना जाता है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वहीं आपको बता दें कि कल रात में 11 बजे के आसपास उनकी निधन हो गया था। मुंबई के अस्पताल में वो भर्ती थे। इसके साथ ही ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। तो देश के उद्योगपति रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये बेहद दुखद घटना है। पूरे देशवासियों के लिए ये दुखद घटना है क्योंकि रतन टाटा जो है वो सिर्फ देश के लिए नहीं विदेशों में भी उनकी एक अपनी साख थी। भारत के लिए वो महान व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते थे। वहीं 28 दिसंबर 1937 को उनका जन्म हुआ था जिसमें आपको बता दें कि 1962 में वो टाटा ग्रुप में शामिल हुए थे। वहीं 1975 में अमेरिका के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से उन्होंने मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी। 1986 से 1989 तक वो एयर इंडिया के चेयरमैन भी रहे। इसके साथ ही 1991 से 2012 तक टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में भी उन्होंने काम किया। आपको बता दें कि 2008 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। तो ये बड़ी घटना मानी जा रही है। देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। 28 दिसंबर 1937 को उनका जन्म हुआ था। आपको बता दें कि 1986 से 1989 तक वो टाटा एंड सन्स के चेयरमैन भी रहे। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ नितिन चौधरी जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या कुछ जानकारी है? देश के जाने माने जो उद्योगपति है रतन टाटा, उनका निधन हो गया है, तो किस तरह का माहौल है? क्योंकि पूरे देश के लिए बड़ी ही दुखद घटना है। देखिए, बिल्कुल बता दें, भारत के अनमोल रतन टाटा का आज निधन हो गया। काफी गहन शोक इसका जताया जा रहा। लगातार बड़ी हस्ती थी टाटा रतन, लेकिन बता दें 86 साल की उम्र में जिस तरीके से उनको जो है बीमार चल रहे थे, तो 86 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। लेकिन उसके बाद लगातार जो देखा जाता था कि लगातार टाटा रतन का काफी नाम था, काफी बड़े उद्योगपतियों में नाम इनका आता था। लेकिन उसके बाद लगातार जब मुंबई के अस्पताल में ये आईसीयू में एडमिट थे, तो उसके बाद एक अपने साथियों के लिए जो सहयोगी थे, जो उनके आने वाले थे, उनको एक लेटर लिखा था। लगातार जब अफवाह फैलाई गई थी कि टाटा रतन इस समय नहीं रहे, लेकिन उसके बाद उससे पहले कुछ दिन पहले टाटा रतन ने जो है अपने पोस्ट किया था कि मैं आजकल ठीक हूँ, मेरे जिसका चाहने वाले लोग हैं उनको काफी स्वस्थ की घड़ी में जो साथ दे रहे हैं लगातार, और साथ इस तरीके की बातों को देखते हैं उन्होंने उस समय जो है अफवाहों पर ध्यान ना दे। लेकिन उसके बाद जैसे कल देर रात टाटा रतन का निधन हुआ, लोग उसको देखते हुए बड़ी जो इच्छा है तमाम प्रधानमंत्री से लेके, चाहे वो कहीं मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, इस तरीके के नेता है, उन्होंने काफी गैर जो है शोक इस पर जताया कि टाटा रतन समय हमारे बीच नहीं रहे लगातार। टाटा रतन जो है काफी बता दें कि काफी बड़ी हस्ती थी लगातार, इसको देखते हुए काफी उन्होंने हम अपना कमाया टाटा रतन ने। लेकिन उसके बाद लगातार टाटा रतन के जिस तरीके से निधन हुआ है, तो उसको देखते हुए तमाम बड़े चेहरे जो थे उनको काफी जो चेहरे हैं उनको काफी शोक जता रहे हैं।
बिल्कुल नितिन, अंतिम यात्रा निकाला जाएगा रतन टाटा को लेकर, तो कौन कौन से दिग्गज जो है इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं? देखिए बिल्कुल बता दें कि मुंबई के एनसीपी से जो है जिस तरीके से ये यात्रा यहाँ से शुरू की जाएगी, राजकीय सम्मान से अंतिम विदाई होगी टाटा रतन की। महाराज के एक दिन के लिए जो है राज्य शोक भी घोषित कर दिया गया, वहीं झारखंड में एक दिन का राज्य शोक भी इसमें जो घोषित किया गया। लगातार टाटा रतन के निधन को लेकर सीएम ने भी काफी शोक जताया है, और साथ ही 3:30 बजे लाइन की जो अंतिम यात्रा है वो टाटा रतन के मुंबई के घर से लगा रहेगी। लेकिन बता दें जिस तरीके से एक लगातार कोहिनूर के रूप में इनको जाना जाता था टाटा रतन को देखते हो, वहीं बता दें कि ओम बिरला ने भी इसके जो है निधन पर काफी शोक जताया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया है, तमाम बड़े जो चेहरे हैं जो बड़ी हस्तियां हैं वो सभी टाटा रतन के निधन के बाद लगातार जो है यहाँ पर जो है शोक व्यक्त कर रहे हैं लगातार। और साथ ही बताया जा रहा है कि टाटा रतन की जो अंतिम विदाई होगी वो विदाई जो है 3:30 बजे जो है उनको जो ले जाया जाएगा लगातार। तो तमाम जो उनके चाहने वाले हैं उनके घरों पर लगातार जो है भीड़ लग गई है, लगातार लोग पहुंचे हैं, लगातार झारखंड में भी उनका जो है राज्य शोक का जो है जताया गया है लगातार। उसको देखा जा रहा है कि पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है, और पीएम मोदी ने टाटा से फोन करके बात भी की है। एक नाथ शिंदे ने भारत के कोहिनूर चले गए हैं तो उसको देखते उन्होंने ये ट्वीट किया लगातार। ओम बिरला भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से अपने कोहिनूर खोया है उस कोहिनूर को इस तरीके से जाने के बाद काफी दुखद घटना है, और उनके परिवार को जिस तरीके से जो है दुख की घड़ी में खड़े होने की बात यहाँ पर कही जा रही है। एनसीपीए लॉन्च लाइन के जो अंतिम सांसें हैं और लगातार उसमें जो आखिरी जो विदाई होगी उसके साथ में उनको जो है यहाँ पर अंतिम विदाई दी जाएगी। बिल्कुल नितिन, खबर ये भी है कि उसमें अमित शाह भी शामिल होने वाले हैं, इसके साथ ही ये भी कि अगर इंटरनेशनली बात किया जाए तो इंटरनेशनली कोई किसी का ट्वीट या किसी तरह की कोई जानकारी? देखिए बिल्कुल बात की जाए जो खबरें आ रही हैं कि गृह मंत्री अमित शाह भी जा सकते हैं, पीएम मोदी भी जा सकते हैं, जो बड़ी हस्तियां हैं वो खुद टाटा रतन के घर पे जा रहे हैं मुंबई में। जिस तरीके से उन्होंने जो उनके घर पे जो पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और 3:30 बजे वहां से जब अंतिम विदाई वहां से होगी तो जो उनके चाहने वाले हैं चाहे बड़ी हस्तियां हो या कोई भी हो, क्योंकि लगातार उसमें जो है देखा जाता है कि टाटा रतन का एक ऐसा नाम था जिस तरीके से लोगों के बीच में नाम रहा और लोगों के बीच में कोहिनूर की तरह उनको जो है यहाँ पर पहचान बनाई है, तो उसी को देखते हुए अंतिम विदाई के लिए तमाम बड़ी हस्तियां यहाँ पर मौजूद रहेंगी। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद नितिन इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। वही लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, आज मनाई जाएगी नेताजी की पुण्यतिथि, 10 अक्टूबर 2022 को हुआ था निधन। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पुण्यतिथि है आज, पुण्यतिथि मनाने सपा प्रमुख मैनपुरी पहुंचेंगे, अखिलेश यादव मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि देंगे। तो 10 अक्टूबर को 2022 को मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था और आज पुण्यतिथि है, और ऐसे में 10 अक्टूबर उनका निधन हुआ था, आज अखिलेश यादव मैनपुरी पहुंच गए हैं, मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आएंगे। तो आज मनाई जाएगी नेताजी की पुण्यतिथि, आपको बता दें 10 अक्टूबर 2022 को उनका निधन हो गया था, जिसके बाद आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि है, मुलायम सिंह यादव को पुण्यतिथि दिया जाए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी वंदना यादव इटावा से हमारे साथ जुड़ चुकी है, सीधे रुख करते उनकी तरफ। वंदना, आज नेताजी की पुण्यतिथि है, ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कुछ कार्यक्रम? जी आपको बता दें कि मैंने इस समय पूर्व रक्षा मंत्री सोमनाथ सिंह यादव है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, उनका जमावड़ा लगा हुआ है और एक मंच लगाया गया है, तो मंच पर सभी स्थानीय और जो इटावा के नेता है बाहर से आए नेता है मौजूद है, और कुछ ही देर में यहाँ पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और दुर्गा यादव यहाँ पहुंचने वाले हैं, तो कुछ यहाँ पर आकर हमारे स्थल पर कुछ प्रदर्शित करेंगे और उनको श्रद्धांजलि देंगे। बिल्कुल वंदना, अगर बात करें कि आज अखिलेश यादव भी वहां पहुंचने वाले हैं, तो कितने बजे से ये सारे कार्यक्रम स्टार्ट होने वाले हैं? जी बस तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस आपको कुछ ही देर में यहाँ पर जैसे अखिलेश यादव गोपाल यादव को अपने गोपाल यादव उनका पूरा ही घर घर के जो सदस्य हैं वो सभी लोग कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं, और मुलायम सिंह जो समाधान है उसका सम्मान करेंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वहीं पर मंच पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी
कि बाहर से आए हुए नेता और स्थानीय नेता आ गए हैं, मौजूद हैं और कुछ ही देर में बस यहाँ पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। जी बिल्कुल वंदना, और भी कौन कौन से दिग्गज वहां पहुंच सकते हैं, क्योंकि सपा प्रमुख थे मुलायम सिंह यादव और वो काफी महत्वपूर्ण भी माना जाता है, पुण्यतिथि है उनकी आज, अखिलेश यादव भी पहुंचने वाले हैं, इसके साथ और कितने भी दिग्गज पहुंच सकते हैं वहां पे? जी जैसा कि घर के सदस्यों के अलावा यहां पर विधानसभा नेता प्रतिपक्ष माधव प्रसाद पांडे और विधान संसद नेता प्रतिपक्ष राम बिहारी यादव जी, उनके यहाँ पर मतलब बात कही जा रही है। और वहीं उसी के साथ कई अन्य आसपास के जितने भी जिले हैं उसके जो भी सांसद हैं, जो भी विधायक हैं, वो पैसे ही पहुंचे हैं मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देने के लिए और उनके समाधि स्थल पर यहाँ पर पैसे ही पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, अब विपक्ष की तरफ से भी कोई दिग्गज वहाँ पहुंचने वाले हैं, ऐसी कोई जानकारी? नहीं जी, ऐसा तो कोई अभी तक जानकारी नहीं है और जहाँ तक मैंने यहाँ पर देखा है ऐसा विपक्ष की तरफ से अभी तक कोई नहीं पहुंचा। समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर हजारों की संख्या में मौजूद है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद वंदना इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर देश भर में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी और सीएम धामी समेत देश के तमाम हस्तियों ने शोक जताया है। आपको बता दें कि उद्योगपतियों में गौतम अदानी, आनंद महिंद्रा, सरीके लोगों ने भी टाटा को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ करार दिया था। टाटा के निधन पर देश भर में शोक की लहर है। रतन टाटा के निधन पर देश में शोक की लहर है, वहीं सीएम योगी, पीएम मोदी समेत तमाम लोगों ने दुख जताया है। खबरें बढ़ते आगे, दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है, रतन टाटा के निधन से बेहद दुख हुआ, मुझे उनका दृष्टिकोण बहुत समृद्ध लगा, दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु और असाधारण इंसान थे, परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। तो देश में रतन टाटा के निधन पर शोक की लहर है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट किया है, रतन टाटा के निधन पर बेहद दुख हुआ, एक भारी क्षति देश को हुई है रतन टाटा के जाने से। भले ही वो चले गए लेकिन देश की जनता हमेशा ही उन्हें याद करेगी, उनके दिल में रतन टाटा हमेशा ही जिंदा रहेंगे। तो रतन टाटा का निधन हुआ है जिसे देश भर में शोक की लहर है। वहीं पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, रतन टाटा के निधन से बेहद दुख हुआ, मुझे उनका दृष्टिकोण बहुत समृद्ध लगा, दूरदर्शी बिजनेस लीडर थे, दयालु और साधारण इंसान थे, परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। रतन टाटा के निधन से पूरे देश भर में शोक की लहर है। तमाम दिग्गज नेताओं, अभिनेताओं के द्वारा लगातार शोक व्यक्त किया जा रहा है। वहीं पीएम मोदी के द्वारा भी एक्स पर पोस्ट करते हुए शोक व्यक्त किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है, रतन टाटा के निधन पर दुख व्यक्त किया है। अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। जम्मू कश्मीर के डोडा जाएंगे अरविंद केजरीवाल। आपको बता दें कि डोडा में धन्यवाद रैली को संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल। तो जम्मू कश्मीर के डोडा जाएंगे अरविंद केजरीवाल, जहां वो डोडा में धन्यवाद रैली को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के
पांचवा राज्य जहां आपका खाता खुला था। आपको बता दें मेहराज मलिक ने डोडा से बीजेपी उम्मीदवार को हराया है। तो इसी को लेकर आज जम्मू कश्मीर के डोडा जाने वाले हैं अरविंद केजरीवाल, जहां वो धन्यवाद रैली को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पांचवा ऐसा राज्य है जहां आपका खाता खुला है। आपको बता दें मेहराज मलिक जो है वो वहां से बीजेपी उम्मीदवार को हराकर डोडा से जीते हैं, जिसको लेकर आज अरविंद केजरीवाल जम्मू कश्मीर जाएंगे जहां वो धन्यवाद रैली को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर अब वो पांचवा राज्य बन गया है जहां आपका खाता खुला है। इससे पहले चार राज्यों में आप पार्टी लीड कर रही थी, अब इसके बाद ये पांचवा ऐसा राज्य है जहां आपका खाता खुल चुका है। आपको बता दें मेहराज मलिक ने डोडा से बीजेपी उम्मीदवार को हराया है। वही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सोलंकी परिवार पर भरोसा जताते हुए कानपुर के सीसामऊ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया है। बता दें कि विधायक इरफान सोलंकी अग्निकांड मामले में 7 साल की सजा काट रहे हैं। 7 साल की सजा होने पर इरफान सोलंकी की विधायकी चली गई थी, जिससे कानपुर की सीसामऊ विधानसभा खाली हो गई थी। इसी मुद्दे को लेकर सीसामऊ विधानसभा प्रत्याशी नसीम सोलंकी खास बातचीत की है हमारे संवाददाता मुकेश गौतम से। इरफान सोलंकी जो विधायक है उनकी पत्नी नसीम सोलंकी से बात करेगी। आपको बता दें इरफान सोलंकी वही है जिनको अग्निकांड मामले में सजा हुई थी 7 साल की, जो की जो सीसामऊ विधानसभा जो क्षेत्र है वहां पर अभी सीट खाली है, जिसको लेकर के अब एक बार फिर से अखिलेश यादव ने भरोसा इरफान सोलंकी की पत्नी पर पूरा जताया है कि टिकट उनको बोलने के लिए दे दी गई टिकट। और आपको बता दें कि इनसे बात करेंगे कि जो टिकट उनको भरोसा जो जताया है टिकट मिला है वो कितना खरा उस पर उतरती है। ये कह रहे कि आपका बहुत बहुत स्वागत है यूनिवर्सिटी में और बड़ी बधाई आपको जो आपको टिकट जो मिला है। आप बताइए कि जो आपको टिकट मिला है अखिलेश यादव जी ने भरोसा जताया है कितना आप उस पर खरा उतरने का कोशिश करेंगे? हम पूरी कोशिश करेंगे 100 में 100% जो उन्होंने हम पे भरोसा जताया है, तो उस भरोसे को जो है 100 में 100% इंशाल्लाह पूरा करने के खरा उतरने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो क्या जो सीसामऊ जो विधानसभा जो क्षेत्रीय लोग हैं उन पे कितना आपको भरोसा है कि आप वो जिता करके लेकर के आएंगे? सीसामऊ की जनता पर ही भरोसा है और उन्हीं के विश्वास के साथ ही हम दोबारा जो है हमने हमारी जीती की सीट पे दोबारा जो है चुनाव लड़ने के लिए हमने जो तैयारी कर रहे हैं। और बाकी सीसामऊ की जनता हर एक बात जानती है, हर एक माहौल को देख लिया उन्होंने। 2022 में भी उन्होंने ही विधानसभा भेजा था विधायक जी को, और आज हम यहाँ पर है तो सीसामऊ की जनता के विश्वास की वजह से ही हम यहाँ। जब आप अगर जीतती है आप विधायक बनेंगी वहाँ की, तो सबसे पहला आपका काम क्या रहेगा, क्या अधूरा काम अगर लग रहा है आपको? पहले इंशाल्लाह जीत जाते हैं और फिर उसके बाद काम तो करना ही है। 2 साल से कोई काम तो हुआ नहीं है, विधायक जी है भी नहीं 2 साल से यहाँ, तो जो काम रुके काम रुके क्या कुछ हो भी नहीं पाते। शायद 2022 का हुआ था कुछ ही समय था फिर अंदर चले गए थे, तो उसमें जब हम जाएंगे विधानसभा में देखेंगे कि क्या क्या काम होने हैं तो कराया जाएगा। और मुद्दा विकास का भी है, जो काम नहीं हुआ अधूरे रह गए उनको करा जाएगा। क्या आप फाइट मानती हैं बीजेपी पार्टी से जो भी करने खड़ा होकर होगा उसमें, तो कितना आप अपने आप को उससे फाइट मानती हैं कितना? देखिए चुनावी मैदान हो या जंग का मैदान हो या कोई भी लड़ाई होती है तो उसमें 2 से 3-4 कैंडिडेट होते हैं जिनके बीच में मुकाबला होता है, तो फाइट तो है लड़ाई तो है, और अगर नहीं होती तो फिर चुनाव भी नहीं होता। तो देखा जाएगा कि जो मजबूती से अपनी बात रख सके, पर मेन और अहम जो रोल होता है जनता का होता है, और सीसामऊ की जनता खास तौर पे जानती है कि उनका विधायक कैसे थे और किस वजह से आज जेल में। विधायक जी जेल में है, आपके पति जेल में है, क्या होता है कि कितनी सत्यता है जो आरोप लगे गए थे अग्निकांड मामले में, क्या है क्या लगता है कि आपको कितना वो सही है? आपने अपनी बात से खुद ही कह दिया कि आरोप है और वाकई में आरोप ही है इनके ऊपर जो लगे हैं। नहीं वो जेल में है तो आरोप लगे थे उसके बाद फिर जेल में गए थे, अब आपको उसको कितना मानती है? नहीं हम तो बिल्कुल 1% नहीं मानते। हमारे लिए विधायक जी जो है कभी हमारी नजरे से तो हम खुद बहुत बड़ा सबूत है उनकी बेगनवाई का, क्योंकि जहां हम लड़ाई लड़ते हुए आज 2 साल से पहुंचे हैं
तो हम खुद भी बहुत बड़ा सबूत है इस बात का कि विधायक जी बेकसूर है, बेगुनाह है, क्योंकि अगर जरा सा 1% भी उनका गुनाह होता है, गलती होती, तो शायद हम उनका साथ ना देते या हम इतनी लंबी लड़ाई ना लड़ते। पर आज हम यहाँ खड़े हैं, आज मेरे बच्चे उनके लिए खड़े हैं, उनका परिवार उनके लिए खड़ा है, सीसा मऊ की जनता खड़े, तो ये इस बात का सबूत है कि वो बेगुनाह है। तो सीसा मऊ से इसमें प्रत्याशी है नसीम सोलंकी जी, आपको बता दें कि उनका कहना है कि अगर हमको जनता जिताती है, और पूरा विश्वास भी है उनको कहीं ना कहीं कि वो जीतेंगी, अगर वो जीतेंगी जो भी कुछ अधूरे काम रह गए हैं उस अधूरे काम को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगी। कानपुर से मुकेश गौतम, इंडिया वॉइस न्यूज। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। खबर अमरोहा से है जहां एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बता दें कि दो ट्रकों में जोरदार टक्कर हो गई जिसमें आग लग गई। वहीं हादसे में ट्रक चालक की जिंदा जलकर मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें कि हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई। तो अमरोहा से ये बड़ी खबर है जहां दो ट्रकों की आपसी भिड़न की वजह से आग लग गई, वहीं हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। तो आपको बता दें कि अमरोहा में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया जहां दो ट्रकों में आपसी भिड़ंत हो गई। आपसी भिड़ंत की वजह से ट्रकों में आग लग गई, जिसके बाद से हादसे में जो ट्रक चालक था उसकी जलकर जिंदा मौत हो गई। वहीं सूचना के बाद वहां पे फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। आपको बता दें तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये भयंकर आग लगी थी। दो ट्रक जो थे वो आपस में भिड़ गए थे, जिसके बाद से ये आग लग गई। वहीं हादसे में जो ट्रक चालक था उसकी मौत हो गई है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।